नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं शिवानी अस्टो चैनल में राकेश आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि लास्ट चैनल लास्ट पाठों से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिफरेंट ग्रहों की महादशा में डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा का फल वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि किसी न किसी की तो हर कोई ना कोई महादशा चल रही होती है या कोई ना कोई अंतरदशा चल रही होती है। तो उसके लिए ये बहुत सही टॉपिक है कि कौन सी महादशा में कौन सी अंतरदशा चल रही है। तो आपकी भी कोई महादशा हो और अंतरदशा हो तो आप भी अपने हिसाब से उस पाठ का चयन करके उस पाठ को सुन सकते हैं और उस अंतरदशा के परिणाम जान सकते हैं। तो अभी हम चला रहे थे राहु के महादशा में, हमने पीछे पढ़ाया गुरु की अंतरदशा का फल। आज पढ़ेंगे हम राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा हो तो किस प्रकार के फल मिलते हैं। वो कहते हैं कि राहोर अंतर्गते मंदे लग्नात केंद्र त्रिकोण गे। राहोर अंतर्गते यानी राहु की महादशा के अंतर्गत मंदे, मंदे मीन शनि, लग्न की अंतरदशा हो, लग्न केंद्र त्रिकोण भाव में शनि बैठा हो। राहो अंतर्गते मंदे लग्नात केंद्र त्रिकोण गे यानी राहु की महादशा हो और शनि की अंतरदशा हो और शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, लाभ केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, स्वोच्च उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, लाभ राशि में हो, लाभ भाव में हो, तब क्या होगा? तब कहते हैं तद भुक्तो नृपते सेवा राजप्रीति करी शुभा। ऐसे में राजा की सेवा का अवसर प्राप्त होता है, राजा की कृपा प्राप्त होती है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आप प्राइवेट डिपार्टमेंट में हैं, आप किसी एमएनसी में हैं तो आपका प्रमोशन होता है। विवाह उत्सव कार्यानि, विवाह या उत्सव होते हैं, ऐसे कार्य संपन्न होते हैं। पुण्यानि भूरिश, पुण्यों की बारिश होती है, पुण्य मिलता है आपको। आराम करने युक्तो तड़ागम कार्यशति, इसमें क्या मतलब है? इसमें कि बगीचा वगैरह का निर्माण आप कराते हैं, आपको राजा से लाभ होता है, पशुओं का संग्रह आप करते हैं। पश्चिम दिशा की यात्रा से आपको थोड़ा धन हानि रहती है, वो आपको ध्यान रखना है। प्रयाणाम पश्चिम भागे प्रभु मूला कणक्षय, कि पश्चिम दिशा की यात्रा ऐसे में नहीं करनी चाहिए, पश्चिम दिशा की यात्रा करने से धन हानि का कारण रहता है। तो ये शनि की अंतरदशा राहु की महादशा में अगर हो तो ये सब फल मिलते हैं। और शनि केंद्र त्रिकोण या लग्न से केंद्र त्रिकोण भाव में हो, उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, तीसरे या एकादश भाव में स्थित हो, तीसरा या एकादश भाव यानी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव और तीसरा भाव इसमें उपस्थित हो तो राजा की सेवा का सुख मिलता है। घर में विवाह आदि मांगलिक उत्सव होते हैं, अनेक पुण्य संचय होते हैं, बगीचा आदि का निर्माण होता है, राजा से अभिष्ट लाभ मिलता है, पशुओं का संग्रह होता है यानी वाहन वगैरह आपके पास, लग्जरी वाहन का आपके पास काफी बड़ा संग्रह बन जाता है। और ऐसे में पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, उस यात्रा में धन हानि की संभावना होती है। दूसरा वो कहते हैं पाराशर जी कि देहालस्यम, देहालस्यम फलाल पत्वम स्वदेशे पुनरेश्यति नीचा रिक्षे क्षेत्र गे मंदे रंध्रे व व्यय गे अपि वा नीचार इरिराज भीतश्च दार पुत्रादि पीड़नम आत्मबंधु मन स्थापम दयाद जन विग्रहम। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं यदि शनि नीच राशि में हो, नीचा रि क्षेत्र गे नीच राशि में हो, शत्रु क्षेत्र में हो, री क्षेत्र गे मीन्स शत्रु क्षेत्र में हो, री बनता है रिपु, रिपु क्षेत्र में हो, यानी शनि अगर नीच राशि में हो, शत्रु क्षेत्र में हो, तो रंध्रे वा व्यय गपी वा अश्रम या बारहवें भाव में हो, रंध्रे वा व्यय गे अपी वा अष्टम और बारहवें भाव में पाप ग्रह के साथ युक्त हो तो क्या होता है? तो ऐसे में नीचारिराज भीतश्च यानी चोर डाकुओं का भय रहता है, जो लोग गलत काम करने वाले हैं उनसे आपको भय रहता है, उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। दार पुत्रादि पीड़नम आपकी पत्नी और संतान को पीड़ा हो सकती है। आत्मबंधु मन स्थापम जो आपके बंधु हैं, आपके जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप प्रेम करते हैं, उनसे आपको मानसिक संताप रह सकता है और आपके व्यवसाय में कलह हो सकती है। लेकिन अकस्मात आभूषण की प्राप्ति इसके अंदर होती है, ये एक चीज इस दशा में है कि शनि की, शनि नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो और छठे आठवें बारहवें भाव में स्थित हो तो इसके अंदर दशा में नीच लोगों से भय, राज से भय, पत्नी पत्ना को संतान कष्ट, सहोदरों को मानसिक संताप, जितने भी आपके व्यवसाय है उनमें कलह रहती है, परंतु अकस्मात आभूषण की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। दूसरा कहते हैं व्यवहारे चय कलह कस्मात भूषणम लभेत दायशात षष्ठ रिस्पे वरंध्रे व पाप संयुक्त। अब यहाँ पे पहले लग्न से आया था, अब यहां बोलते हैं कि शनि यदि महादशा स्वामी से त्रिक भाव में हो, छठे आठवें बारहवें भाव में,
और पाप ग्रह युत हो। शनि यदि महादशा स्वामी से, महादशा स्वामी राहु है, यदि उससे छठे आठवें बारहवें भाव में हो और पाप ग्रह से संयुक्त हो तो क्या होता है, तो उसके इंतजाम में हृदय रोगों मान हानिश्चय, हृदय रोग होते हैं, मान हानिश्चय मान हानि होती है, विवाद होता है, शत्रु पीड़नम शत्रुओं से पीड़ा होती है, अन्य देशादि संचरो अन्य देशों में आपका घूमन जाना होता है, मतलब आपकी जो यात्रा होती है अन्य देशों में कहीं भी असफल यात्रा होती है बिना किसी उद्देश्य के वो यात्रा होती है, और आपको गुल्म रोग वगैरह होते हैं, कुभोजन की प्रॉब्लम होती है, उद्रवादी जाति दुम खाद भयम भवेत, तो ऐसे में ये सब दुख और भय रहता है। और फिर वो कहते हैं द्वितीय धुन नाते, यदि शनि सेकंड भाव का और सप्तम भाव का स्वामी हो तब क्या होगा। देखिए सेकंड भाव और सप्तम भाव दोनों मारक भाव हैं। सेकंड भाव तो है आठवें से आठवें भाव का व्यय भाव हो गया तो वो मारक भाव हो गया, और नवे का आठवें का जो आयु भाव है और आयु भाव का जो व्यय भाव हुआ वो सातवां हुआ वो मारक भाव हो गया, तो इसलिए दोनों मारक भाव है। तो इन दोनों मारक भाव का स्वामी अगर शनि हो तो इसकी शांति के लिए क्या करना पड़ता है, कृष्णाम गा महिषी यानी काली गाय का दान करना पड़ता है, काली गाय या भैंस का दान करना चाहिए, ऐसा करने से ही आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि शनि यदि महादशा स्वामी से आपके छठे आठवें बारहवें भाव में हो, पाप ग्रह से युत हो, तो इसकी अंतर्दशा में जातक को हृदय संबंधी रोग होते हैं, मान हानि होती है, वाद विवाद होते हैं, शत्रु से पीड़ा होती है, अन्न सचरी का विदेश भ्रमण होता है, रोग होते हैं, कुभोजन होता है, दुख और भय रहता है, और यदि शनि सेकंड भाव का स्वामी हो या सप्तम भाव का स्वामी हो तो उसकी अंतर्दशा में या दशा में अपमृत्यु की भय रहता है, तो ऐसे में काली गाय या भैंस का दान करना चाहिए, ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ये था शनि की अंतर्दशा का फल राहु की महादशा में, जो कि आपको ध्यान रखना है, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तीन चीज ध्यान रखनी है कि शनि का लगन से कहाँ है, शनि महादशा स्वामी से कहाँ है, और शनि आपका लगन से कहाँ कहाँ गया हुआ है। इन चीजों को आप याद रखेंगे तो इनसे आप अपनी अंतर्दशा की परीक्षण कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो कांडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।